लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.3। अभी तक हमने 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली है, अब हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें एक इक्वेशन भी होगी। अब इस बार डिफरेंस क्या होगा कि अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब जो हमने 2.1 के अंदर सॉल्व किए थे, उसके अंदर हमें इक्वेशन में बस एक ही एक्स की टर्म गिवन थी। इस बार हमें जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसके अंदर कई सारी एक्स की टर्म्स होंगी, बस ये डिफरेंस है। बाकी जितने जो हम काम कर रहे थे, जो हम ऑपरेशंस कर रहे थे, वो सब सेम रहेंगे। तो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन गिवन है हमें 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो बेसिक फंडा क्या होता है। x की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखो क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर एक साइड पे x को रखना है और दूसरी साइड पे बाकी सारे नंबर रखने हैं हमें, जैसे 18, 2, 3, ये सब हमको इधर लेके जाने हैं और एक साइड में हमें सिर्फ x रखना है, तभी तो वो x की वैल्यू आएगी, राइट? तो हम यही करेंगे इधर। तो जैसे 3x equals to 2x plus 18, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2x को इस साइड पर लेकर आएंगे। तो इस साइड पर अभी 2x है पॉजिटिव और इसमें ये प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा 2x, तो क्या हो जाएगा, इधर आके 2x हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट टाइम में आंसर आएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x में से 2x को माइनस करेंगे, मतलब ये चीज सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 2x, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 3x माइनस 2x, तो ये x तो सेम रहता है, x ऐसे रहेगा, 3 में से 2 घटाएंगे हम तो आंसर आएगा 1, तो 1x, 1x को हम लिखते हैं सिंपली x। ठीक है, तो 3x माइनस 2x, यहां से आ गया x और ये आ गया 18। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली जो कि है 18। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे LHS की वैल्यू। तो LHS की वैल्यू क्या है, 3x। अब हम x की जगह 18 पुट करेंगे, यानी कि 3 into 18, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 3 5, तो 8 into 3 ये हो गया 54। अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू, तो RHS है 2x प्लस 18, यानी कि 2 into x, यानी कि 2 into 18 प्लस 18, तो 2 into 18 ये क्या आएगा, ये आएगा 36 प्लस 18, तो इसकी वैल्यू होगी, यहां से आएगा 4 1 कैरी 54। तो देखो LHS और RHS दोनों की वैल्यू आ रही है 54, इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है। तो ऐसे आप आंसर निकालना, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना दोनों चीजों को, LHS को और RHS को, दोनों चीजें अगर सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन हमें गिवन है 5t-3 = 3t-5। तो सेम चीज हम करेंगे, एक साइड पे हम सारी t वाली टर्म्स रखेंगे, दूसरी साइड पे हम बाकी सारे नंबर रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखो ये 3t है, इसको हम इधर लेकर आएंगे, ये -3 है, इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 5t, यहां पे 3t है प्लस, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, -3t इक्वल्स टू -5, ये तो यहीं पे था और यहां पर -3 है, तो इधर आकर हो जाएगा ये +3। तो नेक्स्ट स्टेप आगे हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5t-3t, तो 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2, तो ये आ गया 2t इक्वल्स टू -5 + 3। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2, है ना। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे भी कोई दो नंबर है, जैसे -5 है और +3 है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो अगर एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका मतलब पहली बात तो ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में माइनस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 में से 3 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम देखेंगे कि साइन किसका आना है, तो जो भी बड़ा नंबर होता है ना, जैसे 5 बड़ा है, तो 5 के आगे माइनस साइन है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस। तो यहां ऐसे करके हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो 5 -5 + 3, इसकी वैल्यू आ गई -2, तो 2t = -2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर 2 हो रहा है, टी से मल्टीप्लाई इधर जाएगा, तो 2 करेगा डिवाइड, तो ये जाएगा -2/2, ये 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ जाएगा -1। तो t की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं LHS की वैल्यू क्या है, 5t-3, तो हम t की जगह पुट करेंगे -1, तो 5 into -1
माइनस थ्री, तो 5 इंटू माइनस वन यानी कि माइनस फाइव और माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस एट। ठीक है, अब हम निकालेंगे आरएचएस की वैल्यू। तो आरएचएस क्या है, आरएचएस है 3t माइनस फाइव, तो 3 इंटू माइनस वन, टी की वैल्यू है माइनस वन, तो यहां पे मैंने डाल दिया माइनस वन। ठीक है, और इधर आ गया माइनस फाइव, तो ये भी आएगा 3 इंटू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री माइनस फाइव, इसकी वैल्यू भी आएगी माइनस एट। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू है माइनस एट, इसका मतलब हमने आंसर जो निकाला है वो सही है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू है माइनस वन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ठीक है, सेम तरीका हम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक तरफ पे सारी x वाली टर्म, दूसरी तरफ पे सारी नंबर, सारे नंबर्स। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5x, ये 3x को हम इस साइड में लेकर आएंगे, यहां पे प्लस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू 5। अब इधर है प्लस 9, प्लस 9 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5x माइनस 3x यानी कि 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9 यानी कि माइनस 4। अब 2x इक्वल्स टू माइनस 4, 2 यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 2 करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 बाय 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस चेक। सबसे पहले LHS, LHS की वैल्यू है 5x प्लस 9, x की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 2 प्लस 9, 5 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 9 इक्वल्स टू, माइनस 10 है और प्लस 9 है, यहां से क्या आंसर आएगा, यहां से आंसर आएगा माइनस 1, तो LHS की वैल्यू आई माइनस 1। अब हम निकालते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS में इक्वेशन गिवन है हमें 5 प्लस 3x, तो अब हम क्या करेंगे, इधर x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है माइनस 2, तो 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा 5 प्लस, यहां से आएगा 3 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 6। देखो ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, जब किसी दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, अगर साइन अलग होता है जैसे ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू 6, उसके बाद अगर एक माइनस का साइन है तो हम यहां पे माइनस डाल देंगे, तो ये आ गया माइनस 6। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 6, तो 5 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा माइनस 1। तो LHS भी माइनस 1 है, RHS भी माइनस 1 है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है x वो सही आया है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। सेम चीज हम करेंगे, इस 2z को हम इधर लेकर आएंगे और इस 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 4z, इधर प्लस 2z है तो प्लस 2 की जगह इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2z मतलब माइनस 2z इक्वल्स टू 6, इधर प्लस 3 है, इधर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3, 4z माइनस 2z यानी कि 2z इक्वल्स टू 6 माइनस 3 यानी कि 3, तो इधर है 2z, 2 इंटू z, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हम भेजेंगे तो 2 होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2, तो z की वैल्यू आ गई 3 बाय 2। अब हम निकालेंगे LHS की वैल्यू, LHS है 4z प्लस 3, z की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 बाय 2, तो 4 इंटू 3 बाय 2 प्लस 3, इस पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई 6 प्लस 3 यानी कि 9। LHS हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे RHS। RHS के अंदर इक्वेशन क्या गिवन है, RHS में इक्वेशन है 6 प्लस 2z, क्या करेंगे हम z की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 बाय 2, तो 6 प्लस 2 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब 2 इंटू 3 बाय 2 है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बाहर आएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9, तो LHS भी 9 है
RHS भी 9 है, इसका मतलब जो हमने Z की वैल्यू निकाली है वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन है 2x-1 = 14-x। सेम चीज हम करेंगे, इस माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे और माइनस वन को इधर ले आएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x, यहां पर है माइनस एक्स, जब ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो यहां पर आके हो जाएगा ये प्लस एक्स इक्वल्स टू 14, इधर है माइनस वन, माइनस वन को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन, 2x प्लस एक्स, ठीक है। तो ये यहां पर सिर्फ एक्स का मतलब होता है ये 1x, तो 2 प्लस 1 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1 यानी कि 15, तो यहां पर है 3x यानी कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अगर इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इस साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो अगर मैं यहां से 3 को हटाऊंगा और इधर भेजूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 5, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे LHS की वैल्यू, LHS है 2x-1 यानी कि 2 × 5 - 1, ये हो जाएगा 10-1 यानी कि 9, तो LHS की वैल्यू आ गई 9। अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू, RHS के अंदर क्या है 14-x, क्या करेंगे हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे उसकी 5 14-5, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 9 के बराबर, तो LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू सही आई है। सिक्स क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन है 8x+4 = 3 × x-1 + 7, तो ये बड़ी सी इक्वेशन गिवन है सिक्स क्वेश्चन के अंदर, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये ब्रैकेट वाली टर्म को खोल लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 8x+4 = ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं, तो जैसे देखो कोई ब्रैकेट हमें ओपन करनी हो, जैसे ऐसे लिखा हो a(b+c), तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab, बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहां पे प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस a(c), तो उसी तरीके से अगर 3 × x-1 हमें ये सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 × x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 3 × 1 यानी कि 3, तो इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3x, तो ये आएगा 3x बीच में माइनस का साइन और 3 × 1 यानी कि 3 + 7, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8x को यहीं रखेंगे और इस 3x को भी यहां पे लेकर आ जाएंगे और इस +4 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं 8x यहां पर है +3x, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आके हो जाएगा -3x, है ना, क्योंकि यहां पे प्लस है, इधर आकर हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू -3 + 7, और इधर क्या है +4, तो +4 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, तो 8-3x यानी कि 5x, है ना, 8 में से 3 गए 5 इक्वल्स टू -3 और -4। देखो जब कभी ऐसे नंबर हो ना तो उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, पहले आप सारे माइनस वालों को ऐड कर लो और प्लस वालों को रहने दो, अगर जैसे ऐसे होते कि कुछ नंबर है +5, -2, +4, -3 ऐसे कुछ नंबर है, तो हम इसको पता कैसे करते हैं, पहले हम प्लस प्लस वाले ऐड कर लेंगे, तो +5 और +4 यानी कि 9, फिर हम माइनस वाले कर लेंगे तो -2 और -3 यानी कि -5, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 9-5 यानी कि 4, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे भी हम यही करेंगे, -3 और -4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो -3 और -4 ये हो जाएंगे -7, इसके बाद है +7, तो -7 से +7 हो जाएगा कैंसिल, तो 5x की वैल्यू आ गई 0, 5x = 0, तो इसका मतलब क्या होगा, x = 0/5 यानी कि 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको हम एक बार, LHS के अंदर क्या है 8x+4, हम क्या करेंगे x की जगह वैल्यू पुट करेंगे उसकी 0, तो 8 × 0 + 4, तो 8 × 0 यानी कि 0, 0 + 4 यानी कि 4, तो LHS की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे RHS की वैल्यू, RHS के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है
थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन। क्या करेंगे हम x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू यानी कि जीरो। तो थ्री इंटू जीरो माइनस वन प्लस सेवन, तो जीरो माइनस वन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस सेवन। तो थ्री इंटू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री। किसी भी नंबर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वही नंबर और विद अ माइनस साइन। तो थ्री इंटू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री प्लस सेवन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेवन माइनस थ्री यानी कि फोर। तो LHS भी फोर है, RHS भी फोर है, इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। अब हम करेंगे सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू फोर बाय फाइव इंटू एक्स प्लस टेन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना इसको हम इधर ले आते हैं। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करो ना, जैसे कोई इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए बाय बी, फिर यहां पर कुछ ब्रैकेट है x प्लस वन, तो बेस्ट वे होता है कि इक्वेशन के अंदर कोई भी फ्रैक्शन का नंबर ना हो। तो कोई फ्रैक्शन का नंबर कैसे, अगर यहां से मेरे को b हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूं, सिंपली मैं इस b को इधर लेके चला जाऊं। तो इस b को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहां पर तो देखो b डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर अगर डिवाइड कर रहा है तो यहां पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई है ना। जो चीज डिवाइड कर रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करती है, अगर वो चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगी। तो यहां पे बी डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एक्स इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस वन। तो अब देखो इक्वेशन कितनी सिंपल बन गई अपनी, पहले इसके अंदर फ्रैक्शन था, अब इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं है, तो अगर हम फ्रैक्शन हटा देते तो इक्वेशन हमारी रिलेटिवली सिंपल बन जाती है। इधर भी हम फिर यही करेंगे, इस 5 को हम इधर लेके जाएंगे, तो यहां पर 5 कर रहा है डिवाइड, इधर जाएगा 5 तो करेगा मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5 इंटू एक्स, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 5x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इधर आएगा 5x इक्वल्स टू यहां पर इसका रिजल्ट। तो ब्रैकेट को हम ओपन कैसे करते हैं, तो 4 इंटू एक्स प्लस 10 है, तो पहले 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहां पर आएगा 4x, बीच में प्लस का साइन है तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस, 4 इंटू 10, 4 टेन जा 40, तो यहां पर आ गया 40। ठीक है, अब इक्वेशन हमारी बन गई बहुत ज्यादा सिंपल। अब हमें क्या करना है, इस 4x को इधर लेकर आ जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम में आएगा 5x, इधर है प्लस 4x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू 40, 5x माइनस 4x यानी कि x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं LHS, LHS में क्या है x यानी कि 40। ठीक है, अब हम चेक करेंगे RHS, RHS है 4 बाय 5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो इधर लिखते हैं इसको 4 बाय 5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की क्या वैल्यू आई है 40। ठीक है, तो x की जगह हम पुट करेंगे 40, तो यहां पे जगह 40 प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाहर है 4 बाय 5 इंटू 40 प्लस 10, 40 और 50 इन दोनों को ऐड करते हैं तो, सॉरी 40 और 10 इनको ऐड करते हैं तो आता है 50, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया 4 बाय 5 इंटू 50, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 वन जा 5, 5 टेन जा 50, 4 इंटू 10 यानी कि 40। तो LHS की वैल्यू भी 40 आई, RHS की वैल्यू 40 आई, इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन है 2x अपॉन 3 प्लस 1, ये इक्वल है 7x अपॉन 15 प्लस 3। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर 3 है फ्रैक्शन में और यहां पर 15 है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं, पहले तो हम इन नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, x वाली टर्म को, और जितने नंबर है हम उनको इधर लेकर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 2x अपॉन 3, यहां पर क्या है 7x अपॉन 15, इसके आगे है प्लस का साइन, मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह है प्लस, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो यह जाएगा माइनस 7x बाय 15 इक्वल्स टू 3, यहां पर है प्लस 1, प्लस 1 को हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 15, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 15 आएगा। कैसे, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो जो कॉमन होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, रेस्ट को हम फिर से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो एलसीएम आ गया इनका 15। अब न्यूमरेटर में क्या होता है, तो न्यूमरेटर के लिए देखो कि हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया उसको हम पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर में 2x, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2x से, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 और x, तो यहां पर आ गया 10x। अब यहां पर माइनस का साइन है तो यहां आ गया माइनस। सेम जो हमने यहां पर किया वही प्रोसीजर हम यहां पर फॉलो करेंगे, तो जो एलसीएम है 15 इसको हम डिवाइड करेंगे अब इस डिनोमिनेटर से, 15 से डिवाइड किया ये हो गया कैंसिल, है ना, 15 से 15 कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x से इंटू 7x, तो ये था 1 इंटू 7x यानी कि 7x, तो यहां पे हमने लिख दिया 7x। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS पर आ गया ये, RHS पे आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 10x में से 7x को माइनस करेंगे, 10x माइनस 7x यानी कि 3x बाय 15 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहां पर लिखते हैं हम इसको, तो देखो अब हमको क्या करना है, x को यहां पे रखना है, बाकी सारे नंबर को इधर लेके जाना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 3 करेगा डिवाइड, यहां पर 15 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके 15 करेगा मल्टीप्लाई, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल होके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 15, क्योंकि उधर 15 डिवाइड कर रहा था, अपॉन 3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ऐसे आ जाएगा। तो 3 5 जा 15, ये हमने कैंसिल कर लिया, 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, LHS इसकी वैल्यू है 2x अपॉन 3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 बाय 3 प्लस 1, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये 1 होता है, अगर सिंपल देखो, अगर प्लस किसी के अंदर 1 ऐड करना है ना हमें, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसके नीचे 1 है और ऊपर यहां पर 20 और यहां पर 3 इंटू 1 तो 3, तो ये आ गया 23 बाय 3। एलएचएस की कुछ ये वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे आरएचएस की वैल्यू, आरएचएस, आरएचएस के अंदर है 7x बाय 15 प्लस 3, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 यानी कि 70 अपॉन 15 प्लस 3। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5 2 0, 5 4 सा 20, तो ये आ गया 14 बाय 3 प्लस 3, ठीक है। ये मैं इसको रब कर देता हूं, ये आ गया 14 बाय 3 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, यहां पर आएगा 14 और यहां पर आएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो 14 और 9 ये हो जाएगा 23 अपॉन 3। तो देखो LHS भी 23 बाय 3 है, RHS भी 23 बाय 3 है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है, हमने क्या वैल्यू निकाली थी, x इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू सही है। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स टू 26 बाय 3 माइनस y, तो सेम काम हम करेंगे, y को इधर लेकर आएंगे और इस 5 बाय 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 2y, यहां पर है माइनस y, माइनस y को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा प्लस y, तो 2y प्लस y इक्वल्स टू 26 बाय 3, ये है प्लस 5 बाय 3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाय 3। तो देखो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इन दोनों का डिनोमिनेटर है 3, तो हम इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर तो जाएगा 2y प्लस y यानी कि 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 यानी कि 21 अपॉन 3। देखो ये कैसे आया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऊपर 26 माइनस 5, तो यानी कि 26 माइनस 5 यानी कि 21, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 3 7 जा 21, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो इसका आंसर आ गया 7
यानी कि 3y इक्वल्स टू 7। तो 3y 7 के बराबर है, तो y किसके बराबर होगा 7 बाय 3 के। क्यों? क्योंकि 3 यहां पर हो रहा था मल्टीप्लाई, 3 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो 3 करेगा डिवाइड, तो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 बाय 3। ठीक है, तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHS की वैल्यू चेक करेंगे। LHS है 2y प्लस 5 बाय 3। अब हम क्या करेंगे, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 7 बाय 3, तो ये जाएगा 2 इंटू 7 बाय 3 प्लस 5 बाय 3। तो 2 इंटू 7 यानी कि 14 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 ये हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 ऊपर 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 यानी कि 19 अपॉन 3। LHS की वैल्यू आ गई 19 बाय 3। अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। RHS है 26 बाय 3 माइनस 7 बाय 3, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 7 यानी कि 19 बाय 3। तो LHS भी 19 बाय 3 है, RHS भी 19 बाय 3 है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है y की जो कि ये 7 बाय 3 वो सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर इक्वेशन गिवन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 5m को इधर लेकर आ जाएंगे, है ना। सारे m वाले नंबर को हमको एक तरफ रखना होता है, बाकी सारे नंबर को दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा 3m, यहां पर है प्लस 5m, तो प्लस 5m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 5। 3m माइनस 5m, तीन में से पांच गया दो, मतलब माइनस दो, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 5। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ऐसे माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 2m इक्वल्स टू 8 बाय 5। यहां पर 2m मतलब 2m से हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 को हम इधर भेजेंगे तो 2 करेगा डिवाइड, तो m इक्वल होगा 8 बाय 5 इंटू 1 बाय 2, इसके 2 डिवाइड करेगा ना इसको, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कैंसिल, तो 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, तो आंसर आ गया 4 बाय 5। एम की वैल्यू आ गई 4 बाय 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे क्रॉस चेक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHS की वैल्यू। LHS इक्वल्स टू ये है 3m, यानी कि 3 इंटू एम की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 4 बाय 5, तो यहां लिखेंगे हम 4 बाय 5, 3 फोर जा 12, ये आ गया 12 बाय 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। RHS है 5m माइनस 8, क्या करेंगे हम, m की जगह पुट करेंगे 4 बाय 5, तो 5 इंटू 4 बाय 5, सॉरी यहां पर था 8 बाय 5, है ना, तो 5 इंटू 4 बाय 5 माइनस 8 बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, यहां पे बचेगा सिर्फ 4, तो नेक्स्ट टाइम आएगा 4 माइनस 8 बाय 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता इसका मतलब होता है इसके नीचे है डिनोमिनेटर 1, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा 20 माइनस 8 यानी कि 12 बाय 5, ये आ गया 12 बाय 5। तो LHS भी है 12 बाय 5, RHS भी है 12 बाय 5, तो LHS इक्वल है RHS के, इसका मतलब जो हमने m की वैल्यू निकाली है जो कि है 4 बाय 5, ये वैल्यू सही है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली एक ही वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सारा समझ आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।